हम लोग जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ और क्वेश्चंस ले आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बताइए कि ये एक दो तीन वैल्यू दिया हुआ है एक्स का, है ना, कौन कौन वैल्यू जो है इसका सॉल्यूशन है ना, कौन कौन वैल्यू इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है या रूट है ना, दो वर्ड यूज़ किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स या वाई जिस पे भी पावर देते हैं, तो एक्स का वैल्यू जनरली एक्स यूज़ करते हैं, तो एक्स का जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं और उसी को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। तो बोलता है ये जो एक्स का थ्री वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर है ना, वन टू थ्री तीन वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन ऐसा कौन वैल्यू है जो कि इसका सॉल्यूशन है और कौन वैल्यू ऐसा है जो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो जो x का वैल्यू है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर उसका फाइनल रिजल्ट जीरो आ जाता है वो उसका सॉल्यूशन वो उसका रूट है, और अगर उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर जीरो नहीं आता है इसका मतलब ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये उसका रूट भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहला देखते हैं, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है ना कि x इक्वल टू जीरो होता है ना, x इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। अगर x इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो फिर इस इक्वेशन का ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालना है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, अब वैल्यू पुट कर देंगे, टू इंटू एक्स का वैल्यू जीरो है वन नहीं है, टू इंटू जीरो स्क्वायर माइनस फाइव इंटू जीरो माइनस थ्री है ना, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, एक्स इक्वल टू थ्री दिया हुआ है, हम लिख दिया गलत लिख दिया है, तो एक्स इक्वल टू थ्री है, एक्स का वैल्यू थ्री है जीरो नहीं है, एक्स का वैल्यू क्या है थ्री है, तो हम थ्री वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने पुट कर दिया तो क्या है, थ्री थ्री जा नाइन टू जा एटीन, ये हो गया फिफ्टीन, ये हो गया थ्री, तो अब क्या हो गया ये एटीन और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो जाएगा माइनस एटीन, तो फाइनली क्या हुआ जीरो आया, तो क्या दोनों कट गया है ना। तो चूंकि फाइनल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो आ गया, फाइनल वैल्यू जीरो आ गया, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, सॉल्यूशन बोलता है, दस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जीरो आ गया इसलिए हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा का देखते हैं, दूसरे में क्या है, सेकंड में एक्स का वैल्यू हाफ है, एक्स का वैल्यू हाफ है, दस टू एक्स स्क्वायर आप हाफ वैल्यू पुट करेंगे, इस बार हाफ वैल्यू पुट करेंगे, हाफ स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हाफ, अब देखते हैं कितना आता है, ये क्या हो गया, टू कट जाएगा ये कैंसिल होगा, तो वन बाई टू इंटू टू आएगा, एक टू कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा हाफ बच जाएगा माइनस फाइव बाई टू और माइनस थ्री, अब इस तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, टू हो गया हमारा एलसीएम, टू हो गया एलसीएम, तो ये वन हो गया, यहाँ भी टू है एलसीएम, ये भी माइनस, अब यहाँ वन है तो टू आया, थ्री टू जा सिक्स आया, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, हाफ इसका सॉल्यूशन है कि नहीं ये पता करना है, क्या दिया हुआ है लगता है कि इसमें अभी हम, हाँ
गड़बड़ हो चुका है यहाँ पर, यहाँ माइनस हाफ है और हमने जो है एक्स का वैल्यू हाफ पुट किया है तो गड़बड़ होगा ही। इसका वैल्यू जो है माइनस हाफ है, तो ये हो गया माइनस हाफ, माइनस हाफ हो गया ना, माइनस हाफ हो गया, तब तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस सिक्स बाई टू कैंसल हो गया, जीरो बाई टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी जो है एक्स का वैल्यू पुट करने से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? तो ये सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। वैल्यू ठीक से पुट करेंगे, वैल्यू गलत पुट करेंगे तो गलत आंसर आएगा ही। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू इस बार कितना है, थर्ड नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू फोर पुट करेंगे, तो एक्स का वैल्यू जो है फोर पुट करेंगे, फोर स्क्वायर, यहाँ फोर हो गया, ये फाइनल कितना हुआ, सो चार चक सोलह दूनी बत्तीस हो गया, ये बीस हो गया, माइनस थ्री, तो हमारे पास आ रहा है बत्तीस माइनस तेईस, तो हमारे पास कितना आया, नाइन, यानी जीरो नहीं आया, दस इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, क्योंकि एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो नहीं आया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो नहीं आया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ जीरो नहीं आया, कितना आ गया, नाइन आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू फोर पुट करने से एक्सप्रेशन का वैल्यू नाइन आ गया है, जीरो नहीं आया, इसीलिए एक्स का वैल्यू फोर एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब एक्स का वैल्यू फोर नहीं हो सकता है, मतलब ये जो फोर है वैल्यू एक्स का, ये सॉल्यूशन नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पता करना है कि इस इक्वेशन का कौन कौन सा रूट है, रूट मतलब सॉल्यूशन, रूट मतलब एक्स का वैल्यू है ना, रूट का कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, रूट का मतलब हुआ एक्स का वैल्यू है ना, इसी को हम लोग दूसरे टर्म में सॉल्यूशन बोलते हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो चाहे इक्वेशन का सॉल्यूशन बताने के लिए कहे या इक्वेशन का रूट बताने के लिए कहे, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। तो हमको तीन तीन सॉल्यूशन दिया हुआ है, तीन तीन रूट्स दिया हुआ है, बोल रहा है तीनों में कौन सा रूट होगा और कौन रूट नहीं होगा, तो हम ये क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम जो है पुट करके देखेंगे, जिसके पुट करने से एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आएगा वो उसका रूट होगा या उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, एक्स का वैल्यू माइनस वन है। ठीक है, इफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, देन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन का वैल्यू कितना होता है, थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद टू इंटू माइनस वन हो गया और माइनस वन। अब इसको सॉल्यूशन पुट करेंगे, अब एक्स का वैल्यू यहाँ भी दे दिया माइनस वन, यहाँ भी दे दिया माइनस वन, ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे, तो थ्री इंटू माइनस वन होल स्क्वायर, ये थ्री ही आएगा और ये टू इंटू माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, और ये माइनस वन है तो ये माइनस वन, तो क्या मिल गया, थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, ये रूट है ना, दस
इट इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से बनाना है, कुछ करना नहीं है। ये हम लोग सेकंड से चेक करते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो गया सेकंड में, 1/3 हो गया। तब हमको 1/3 पुट करना होगा। यहाँ 1/3 पुट करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे क्या आता है। यहाँ हो गया 3 × 1/3 square, ये हो जाएगा 2 × 1/3। ठीक है, 1/3 पुट करना है। तब क्या क्या आया, यहाँ 1/3 आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2/3, और यहाँ क्या है -1। अब हम एलसीएम ले लेते हैं और इसको सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम 3 आएगा, ये 1 होगा, 2 होगा, और यहाँ पर -3 होगा। तो क्या होगा 3 − 3/3, ठीक है, =0/3। तो फाइनली 0 आ गया है। ठीक है, तो इस केस में जो है फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो 0 आ चुका है ना। इसका मतलब ये भी रूट है। दस इट इज़ द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें भी वैल्यू जब पुट किए, 1/3 जब पुट किए, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका वैल्यू कितना आया, 0 आया। इसलिए ये भी रूट है, पहला भी रूट है, दूसरा भी रूट है। अब तीसरा को चेक करते हैं कि वो रूट है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग तीसरा को चेक करते हैं। ठीक है, तो तीसरा वैल्यू क्या है, -1/2 है। तो हम लोग -1/2 पुट करेंगे, तो अगर हम -1/2 पुट कर दिए, यहाँ -1/2 हो गया, तब क्या आएगा, ये आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो -1 हो जाएगा, और ये भी -1। तो ये तो कभी कैंसिल होने वाला है ही नहीं, ये 0 नहीं आएगा। ये हो गया 3/4 − 2, तो एलसीएम लेंगे 4 होगा, तो ये होगा 3 − 4 × 8, तो आ जाएगा −5/4। ठीक है, ≠ 0, ये क्या हो गया, 0 नहीं आता है। इसका मतलब ये रूट नहीं है। दस इट इज Not the root of given quadratic equation, इसलिए ये root नहीं हो सकता है इसका। ठीक है, 0 आएगा, जिस वैल्यू को डालने से वही वैल्यू किसी भी quadratic equation का root हो सकता है और solution हो सकता है। ठीक है, clear?